ओके सो मेरा नाम है अर्पित बालियान और अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी स्टोरी, पीछे से साउंड आ रहा होगा, कुछ पक रहा है कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान इस बात पे दो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आगे शेयर करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ से, मेरा भटकने का सफ़र शुरू होता है। मैं दिसंबर तक चला गया था, सिटी में शिफ्ट हो गया था, लेकिन दिसंबर से थोड़ा पहले आओ मुझे सजेस्ट किया गया, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी फैमिली को गलत नहीं मानता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को गलत नहीं मानता हूँ, मैं किसी को भी गलत नहीं मानता हूँ। अपनी हर चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने हर एक फेल्योर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अगर मुझे कहीं छोटी मोटी सक्सेस मिली है या मिलेगी, उसके लिए मैं सबको रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, लेकिन फेल्योर के लिए या कुछ गलती के लिए हमेशा सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ओके ओके तो फैमिली में से मेरे को, जब मेरा रिजल्ट आया था शायद दिसंबर के टाइम पे, जुलाई में रिजल्ट आया था, दिसंबर के टाइम पे क्या था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला हुआ था। तो घर वालों ने डिमांड रखी कि भाई इसका फॉर्म फिल कर ले, जॉब कर ले, फिर पढ़ता रही हो आगे, बढ़ता रही हो आगे। मैंने उस टाइम पे वो बात टाल दी, घर वाले नाराज़ हुए, लेकिन मैंने बात टाल दी कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे पढ़ना है अपने आगे, इसकी स्टडी पर मुझे फोकस करना है। ओके एक चीज़ और हुई थी, एक टेक्निकल एंट्री सर्विस करके होता है, जो आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उन्हें पता होगा कि टेक्निकल एंट्री सर्विस करके एक आर्मी निकालती है फॉर्म, जिसमें आप 12th के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट SSB देने जा सकते हो। SSB यहाँ पर है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मतलब आप सीधा लेफ्टिनेंट के, लेफ्टिनेंट का नाम तो सुना होगा ना, जो कि सबसे पहला ऑफिसर होता है आर्मी के अंदर, मतलब यहीं से ऑफिसर लेवल की रैंक स्टार्ट होती है, तो उसके लिए कराया जाता है। और ये टेक्निकल एंट्री सर्विस जो है ना, ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनका मैथ्स और साइंस वाला बैकग्राउंड होता है। तो मेरा साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड था, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो मुझे मौका मिल रहा था जाने का। तो अक्टूबर में मैं, इससे पहले मतलब दिसंबर से थोड़ा पहले आते हैं स्टोरी में, अक्टूबर में मैं SSB देने भी गया था इलाहाबाद। उस टाइम भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में SSB देने में, ना मुझे ये पता था कि होगा क्या क्या वहाँ पे। एक दो दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी कि हाँ ये होगा, फर्स्ट डे का पता था सिर्फ मुझे। तो वहाँ पे जब मैं गया तो हम लगभग 200-300 लड़के थे वहाँ पे SSB इलाहाबाद में। तो सबसे पहले उन्होंने रीजनिंग का टेस्ट लिया, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, शायद OIR, हाँ यही नाम था उसका। फिर उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर फोटो दिखाया, उसे देख के हमें एक स्टोरी लिखनी थी। कुछ मिनट का टाइम उन्होंने दिया था हमें लिखने के लिए, और उसके बाद फिर हमें से नरेट करना था अपनी स्टोरी को, और फिर ग्रुप डिस्कशन करना था। तो मैं बोल ही नहीं पाया वहाँ पे, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं कर रखा था खुद को उस चीज़ के लिए। और कुछ मेरे सिम्टम्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ जहाँ मुझे फेल्योर मिलेगा मेरी लाइफ में अप टू दिस पॉइंट, मतलब 5 साल के अंतराल तक, वहाँ पे थोड़ा सा कारण मैं मानूंगा अपनी मेंटल हेल्थ का, लेकिन 99% मैं कारण मानूंगा खुद का, कि मेरी खुद के एफर्ट्स नहीं थे, मेरा मन नहीं था उधर जाने का, मैंने उस चीज़ के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। तो सोलिली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि हाँ मेरी वजह से ही मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, ये मेरा पहला फेल्योर था। इससे पहले आज तक मैं हर क्लास में फर्स्ट 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 फर्स्ट, बस यही टॉपर, फर्स्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, यही सब चलता आ रहा था, लेकिन पहली बार फेल्योर का स्वाद मैंने चखा था। तो काफ़ी अलग महसूस हो रहा था उस टाइम पे मुझे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपनी स्टोरी दिसंबर वाली पर। अब यहाँ से भटकना कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मैं अपने एम से पहले तो रेजिस्ट किया कि हाँ मुझे IAS की स्टडी पे ही फोकस करना है, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं मैं फिसल रहा था अपने टारगेट से। पहले वो SSB की तरफ जाना अक्टूबर में, उसके बाद फिर दिसंबर में दिल्ली पुलिस के लिए, लेकिन वो मैंने होपफुली मना कर दिया था और शिफ्ट भी कर लिया था वहाँ से सिटी में उस टाइम पर। फिर वो जो मेरे साथ कंडीशन आई थी फैब में, मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर और मदर को ही की थी। तो फिर मैंने क्या किया, वो थी टेक्निकल एंट्री सर्विस 44, जो पहले आई थी अक्टूबर में, साल में शायद 2 बार निकलती है ये। और फिर उस टाइम पे जो निकली थी, वो निकली थी टेक्निकल एंट्री सर्विस 45, TES 45। ओके तो मेरे घर वालों ने फिर से बोला कि भाई लेफ्टिनेंट बनना है तुझे, तो जा। अब की बार भाई मैंने प्रिपरेशन के लिए एक बुक मंगा ली, हाउ टू क्रैक SSB शायद उस बुक का नाम था, और वहीं से जो मैंने उसके बारे में, एक अर्पित करके ही एक NDA वाला टीचर है, जानते होंगे जो इंडिया वाले होंगे उसे, मतलब उन्हें, तो उन्होंने मुझे क्या, उन्होंने सजेस्ट करी थी एक बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये मेरी पहली बुक बन गई जो कि मैंने अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर जाके पढ़ी। सेल्फ हेल्प बुक इसे बोलते हैं, सेल्फ हेल्प बुक वो होती है जो कि आपको आपकी लाइफ को समझने में हेल्प करती है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से अलग। कोई बुक जो कि आपकी लाइफ को समझने में हेल्प करे, आगे बढ़ने में हेल्प करे, रियलिटी पर बेस्ड हो, उसे आप सेल्फ हेल्प बुक बोल सकते हो। ओके नोवल नहीं था वो, सेल्फ हेल्प बुक थी। तो वो उस टाइम पे मैंने पढ़ी, ज़बरदस्त सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे थे उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ी। आज मैं जब यहाँ बैठा हूँ, मुझे अगर एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी वो सिम्टम्स उस इंटेंसिटी के साथ आ जाए, तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन उस टाइम मैंने कैसे किए सहन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसे सहन किए, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि वो टाइम पता नहीं मैंने कैसे गुजार दिया, कैसे मैंने उस चीज़ को बियर किया। बताओ ऐसा क्यों होता है। एक बुक पढ़ी थी मैंने, उस बुक में एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ये है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर इट ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके अंदर ये है ना कि हाँ कोई कारण है जीने का, जिसको कोई कारण है जीने का, वो कारण उसके घर वाले भी हो सकते हैं, वो कारण उसकी वाइफ हो सकती है, वो कारण उसका कोई काम हो सकता है, काम इन द सेंस कि हाँ उसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, कुछ लोग जो है कुछ लोगों के लिए काम ही सब कुछ होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के पास जीने का कारण है तो वो कैसे भी करके जी लेगा। वो बात मुझे सच लगती है और मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि हाँ आपने ये भी सुना होगा कि हाँ डॉक्टर जो है ये कह देता है कि इस इंसान के अंदर जीने की इच्छा थी इसलिए बच पाया। जीने की इच्छा जब इंसान के अंदर नहीं होती ना तो एक छोटी से छोटी बीमारी उसे खा जाती है, लेकिन अगर इंसान के अंदर जीने की इच्छा हो तो वो बड़ी बीमारी से बच जाता है, उसके चांसेस होते हैं। तो शायद इसी कारण से मैं उस कंडीशन में भी पड़ पाया। शायद अब सिम्टम्स डिस्कस करने का टाइम आ गया, क्योंकि सिम्टम्स 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 करता जा रहा हूँ। ये है क्या चीज़, अजीब है, अजीबो गरीब है। पागल मत समझ लेना मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ, और पता भी नहीं चलेगा जब मैं सिम्टम फील कर रहा हूँ आपको कि मैं फील कर रहा हूँ। सबसे पहला सिम्टम हीटिंग, जैसे बुखार में बॉडी हीट करती है ना, और ये बहुत ही इंडिविजुअल है, सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये फेस कर रहा हूँ तो सब ही ऐसे फेस करेंगे। पहला सिम्टम जो मैं महसूस करता हूँ वो है हीटिंग का, मेरी बॉडी हीट करती है, मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट हीट करने लगता है। शोल्डर्स भी हो सकते हैं, बैक भी हो सकती है, स्टमक भी हो सकता है, थाइस भी हो सकती हैं, लेग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, हीटिंग। और वो हीटिंग इरीटेट करती है बहुत ज़्यादा, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचती है 24 घंटे। दूसरा सिम्टम, बॉडी में एक डर की लहर सा दौड़ना। अगर आपके सामने अचानक से कोई ट्रक आ जाए, आपकी टक्कर होने वाली हो, अचानक से कोई ट्रक आ जाए और टक्कर होने से बस बाल बाल बचे, तो जो डर आप उस टाइम फेस करोगे ना, आपकी धड़कन कितनी तेज़ हो रही होगी, ऐसे करने वाला, सोचो अगर वो डर 24 घंटे आपके अंदर रहे तो कैसा महसूस करोगे। ये है सिम्टम नंबर 2। सिम्टम नंबर 3, ये और भी ज़्यादा, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। सिम्टम नंबर 3, ये पसीने आ रहे हैं ना, चाहे कितनी भी सर्दी हो पसीने आते रहेंगे, ये तो नॉर्मल आ रहे हैं फिलहाल लेकिन आते रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग। सिम्टम नंबर 4, आप इस सिम्टम को मुझे बताने में थोड़ा ही लग रहा है कि नहीं समझोगे कि हाँ इसका तो ढीला है मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि सिम्टम है ही ऐसा माइंड में। हाँ, पहले ये सुन लो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव थॉट खत्म होगा, दूसरा दूसरा खत्म होगा, तीसरा तीसरा खत्म होगा, चौथा, नेगेटिव थॉट्स की साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। 100 थॉट्स में से 99 थॉट्स नेगेटिव आएंगे, एक थॉट पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव थॉट में उस एक सेकंड के लिए लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो थॉट पास आउट हुआ फिर से लगेगा सब कुछ खत्म है, जब वो 99 थॉट्स आएंगे। और ये मैं सिम्टम चौथे वाला डिस्कस करता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अजीबो गरीब सिम्टम है, खैर छोड़ो इसे, लेकिन कुल मिला के आप समझ गए होंगे। अब ऐसा मेरे साथ होता था या होता है कभी कभी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को कब्जी हो जाती है, किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, क्योंकि माइंड भी तो बॉडी के थ्रू ही रिएक्ट करेगा ना, ये माइंड का रिएक्शन है। इसे बोलते हैं एंगजाइटी, पहले मैं इसे बोला करता था एनग्जाइटी। एंगजाइटी कभी ना कभी सब लोग फील करते हैं, ठीक है। आप किसी रिजल्ट का जब वेट कर रहे होते हैं उस टाइम जो आप महसूस करते हैं वो हल्का हल्का सा डर, वो मीठे मीठे से सिम्टम्स जो आप महसूस करते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम जो आप महसूस कर रहे हो तो वो होती है एंगजाइटी। जब आप स्टेज पर पहली बार जाकर बोलना चाहते हैं तब जो आप जो महसूस करते हैं, किसी के हाथ कांपने लगते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, वो होती है एंगजाइटी। लेकिन जब ये एंगजाइटी, वो तो है नॉर्मल कि कुछ टाइम के लिए हो गई, एक है परसिस्टेंट एंगजाइटी, मतलब एंगजाइटी बिना किसी कारण के हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। खैर मैंने थोड़ा बता दिया इस चीज़ को जिससे कि आप महसूस कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ कि आखिर सिम्टम्स ये है चीज़ क्या, ये मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ इशू एक है। डिप्रेशन तो बहुत लेटर स्टेज होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन जिससे मैंने सफ़र किया है वो एंगजाइटी है, परसिस्टेंट एंगजाइटी। ओके, सीटी आ गई, तो मैं कहाँ पर था, मैं तो भूल ही गया मैं कहाँ पर था। हाँ, मैंने अपनी बुक कंप्लीट की, ये मेरी पहली बुक थी, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बहुत कुछ। क्या 12th तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे, बहुत बेहतरीन किताब लगी मुझे, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी लेकिन अप्लाई नहीं करी। अगर मैं अप्लाई करता तो आज 5 साल बाद में यहाँ ना बैठा होता। खैर अब इस बुक को पढ़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से आई थी कि हाँ मुझे TES-45 में जाना है, इंटरव्यू देना है, जबकि मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनना है। तो अब इस जर्नी को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, कैसे कैसे मैंने SSB दिया भोपाल में जाके, उस टाइम पे कोरोना का भी पूरा तगड़ा प्रकोप चल रहा था, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, घर वालों ने बहुत रोका लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके मैं देखा है और
इंटरव्यू में फर्स्ट डे या तो आप बाहर हो जाते हो या फिर अंदर हो जाते हो। मैं पिछली बार बाहर हो गया था, अब की बार मैं अंदर हो गया, मतलब मैंने डे 1 क्लियर कर लिया। तो इस कैसे किया, क्या क्या हुआ, वो सब मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।